संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा द्वारा बाड़मेर के दौरे के दौरान आदर्श स्टेडियम में बिखरे पड़े कबाड़ को लेकर नगर परिषद को जल्द निस्तारण के दिए निर्देशों की पालना अब तक होती नजर नहीं आ रही है। वहीं आयुक्त अभी भी कमेटी का गठन करने, लिस्ट बनाने के बाद जल्द कबाड़ की नीलामी करने की बात कह रहे हैं। बीते दिनों जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने बाड़मेर जिला मुख्यालय के दौरे के दरमियान बाड़मेर नगर परिषद की उदासीनता के चलते कबाड़ के निस्तारण नहीं करने को लेकर नाखुशी जाहिर की थी। संभागीय आयुक्त द्वारा 7 दिन के अंदर अंदर इसके निस्तारण के आदेश नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा को दिए थे। वहीं डॉक्टर शर्मा ने 25 सितंबर को पुनः इसकी समीक्षा की बात कही थी, लेकिन 24 सितंबर तक हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। न तो आदर्श स्टेडियम से कबाड़ को हटाया गया है और न ही इसके निस्तारण की कोई प्रक्रिया धरा पर उतारी गई है। मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा का कहना है कि मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। मूल शिकायत तो थी महावीर उसमें आदर्श स्टेडियम गार्डन की, जिसमें 80% काम हो चुका है, और दूसरी शिकायत थी स्क्रैप नीलामी की, उसके लिए प्रक्रिया अपना कर कमेटी बढ़ा दी गई है और जो स्क्रैप था उसको सूचीबद्ध कर दिया गया है, उसी के लिए नीलामी करके उसको डिस्पोजल कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त की चेतावनी के 7 दिन कब के बीत गए हैं और बीत गया है कार्रवाई का वक्त भी, लेकिन नगर परिषद प्रशासन अपनी नींद से नहीं जगा है। शुक्रवार को संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा फिर से अपने विजिट को लेकर समीक्षा कर सकते हैं। वहीं हालात जस के तस होना नगर परिषद की संभाग के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों पर भी कानों पर जूं तक नहीं रेंगने की स्थिति को साफ साफ बयां करता नजर आ रहा है।